लुकास केर अध्याय 7 केर 48 में कहेला, तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, या प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मर्दुनारे आयोबा भाई बहनान, यहाँ संत लुकास कहता है, एक पापी ने स्त्री के बारे में बातें करो थे। एक पापी ने स्त्री रोज दिन के जिंदगी में पापमय जीवन जीता था, पाप में डूबी हुई थी, लेकिन मर तुनारे आयोबा भाई बहनान, एक दिन प्रभु यीशु फरीसी के घर में भोजन कर रहे थे। उस समय यही पापी ने स्त्री अपने संगमरमर पात्र में इत्र लेकर यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह के पैर में गिर गया, यीशु मसीह के पैर में बैठ गई। और इस पापी ने स्त्री अपने आंसुओं के द्वारा से यीशु मसीह का पैर को धोने लगी, अपनी बालों से यीशु मसीह का पैर को पोछने लगी। ये पापी ने स्त्री यीशु मसीह का पैर को चुम चुम कर तेल लगाने लगी। ये पापी ने स्त्री प्रभु यीशु का पैर को धोकर, प्रभु यीशु का पैर को चुम कर अपने जीवन का हर पराए देवताओं को निकाल कर फेंकी, पुराना वस्त्र को खोल कर फेंक दी और अपने जीवन को इस पापी ने स्त्री शुद्ध और पवित्र बनाई, ईश्वर के लिए सुंदर अपने जीवन को बेटी बनाई। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन राउर मां से बातें करो थे कलिसिया, अगर व्याविचार में जकड़ा नहीं, अगर हिस्गड़ा में जकड़ा नहीं, अगर नासा खोरी में जकड़ा नहीं, अगर प्रार्थना के विरोध करीला, अगर बाइबल पढ़े नहीं खोजीला, गिरजा जाए नहीं खोजीला, प्रार्थना करे नहीं खोजीला, या संडे मीटिंग आवे नहीं खोजीला, तो मर तुम्हारे आयोबा भाई बहन वही पापी ने स्त्री के समान इस बेदी के पास आओ, इस क्रूस के पास आओ, इस क्रूस के नीचे गिर जाओ और उसी पापी ने स्त्री के समान आंसू बहा बहा के अपने जीवन में आए हुए पराए देवताओं को निकाल कर फेंको और उस पापी ने स्त्री के समान मन फिराकर पश्चाताप करके अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना लो। हालेलुया, हालेलुया।